अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन फेस पैक बताने लगी हूँ जो यूँ समझ लें कि शर्तिया आपकी स्किन को ग्लोइंग कर देगा, आपके चेहरे से दाग धब्बे हटा देगा। बिकॉज इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी 100% नेचुरल हैं, ठीक है। और कुदरती चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको 100% बेनिफिट देती हैं, 100% फ़ायदा देती हैं, स्किन को निखार देती हैं, गोरा कर देती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो की तरफ चलने से पहले, इस फेस पैक को बनाने से पहले, मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अगर आपने मेरा चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि डेली बेसिस पे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले उसे देख सकें। मुझे लाजमी कमेंट्स में बताया करें अगर आप मेरे चैनल की कोई भी ब्यूटी टिप को इस्तेमाल करते हैं तो उसके रिज़ल्ट से मुझे आगाह किया करें, या आपके पास अगर अच्छी ब्यूटी टिप्स हैं तो आप मुझसे शेयर किया करें। मैं यकीनन आपकी ब्यूटी टिप्स को जो है वो अपनी वीडियोज़ में शेयर करूँगी, ठीक हो गया। तो इस फेस पैक में जो चीज़ें हमें चाहिए वो है हमारे पास एलोवेरा जेल, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा क्रीप करके दिखा देती हूँ, मे बी यहाँ से जो है वो क्लियर नज़र ना आ रहा हो, ठीक है। अब ये क्वांटिटी जो है वो है 1 टेबल स्पून, ठीक। मैंने अंदाजे से मिल्क लिया है, दूध लिया है, टर्मेरिक, हल्दी और हनी यानी कि शहद। तो ये चार चीज़ें आप बिल्कुल आपके किचन में मौजूद होती हैं, आप इन्हें इस्तेमाल कर लें और अपनी जिल्द को आसानी से घर पे निखार सकती हैं। किसी किस्म के फेशियल की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई बाजारी क्रीम्स की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन माने घर में बैठ के बिना कहीं जाए अच्छी और ख़ूबसूरत स्किन हासिल कर सकती हैं। तो मैं आपको इनके अलग-अलग से बेनिफिट्स भी बताऊँगी, एडवांटेजेस भी बताऊँगी, लेकिन साथ साथ हम इस फेस पैक को बना भी लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि मेरे पास जो एलोवेरा प्लांट की जो जेल होती है ओरिजिनल, वो अवेलेबल नहीं थी। मैंने हर जगह पर इसे घर में देखा है लेकिन मुझे नहीं मिला वो प्लांट, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कभी मैंने यूज़ किया इंशाल्लाह तो मैं वही जेल यूज़ करूँगी, ये मैं बाज़ार की जेल यूज़ नहीं करूँगी। जिस तरह से मैंने आपके सामने ये रखा हुआ है कि मेरे पास ये पैकिंग है एलोवेरा जेल की, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है कि एलोवेरा जेल 97% सूदिंग जेल, ठीक है, मॉइस्चराइजिंग है। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ, इतनी बुरी नहीं है। अगर आपके पास ओरिजिनल एलोवेरा प्लांट की जेल नहीं है तो आप ये जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसका भी आपको बेनिफिट होता है। मैंने भी इसे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये इस पे भी मैं इंशाल्लाह जो है ना वो बहुत जल्दी रिव्यू बना के मैं बताऊंगी आप लोगों को कि भाई इसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ है और इसने मुझे कितना जो है वो सेटिस्फाइड किया है। तो हम चलते हैं अपने फेस मास्क की तरफ, इसे हम रख देते हैं साइड पर, ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए जो है वो यहाँ पर रखा था। अच्छा, हमने ले लिया 1 टेबल स्पून एलोवेरा। अब एलोवेरा क्या करता है? एलोवेरा यूँ समझ लें कि सबसे पुराना इस्तेमाल होने वाला ब्यूटी मास्क में जो इंग्रेडिएंट है वो है, ठीक है। ये स्किन को फ्रेश करने के लिए, स्किन को ग्लो करवाने के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट है, यूँ समझ लें बेस्ट मटेरियल है। और ये क्या करता है? स्किन को मॉइस्चराइज करता है, मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट देता है, और स्किन पर मौजूद जितने भी दाग धब्बे होते हैं, स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, उन सबको ये रिमूव करता है, ठीक है। स्किन को बिल्कुल यूँ समझ लें कि साफ़ कर देता है, निखार देता है, ठीक है। दूध है, दूध आप लोगों को वैसे ही पता है कि भाई ये बेस्ट मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, क्लिनजिंग एजेंट है। आपके घर में अगर दूध अवेलेबल है, आपको बाज़ार से किसी भी किस्म के क्लिनज़र की ज़रूरत नहीं पड़नी, आप इसको आराम से इस्तेमाल करके जो है वो क्लिनजिंग कर सकती हैं घर पे। टर्मेरिक है, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये क्या है कि बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर सोजिश की वजह से एक्नी वगैरह का मसला है तो ये उसको भी ट्रीट करेगा, ठीक है। और ये हनी है, और कोई भी फेस पैक हो और उसमें हनी इस्तेमाल ना हो ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। चलते हैं, बनाते हुए मैं आपसे सारा बाकी डिस्कस जो है वो कर लूँगी। तो हमने 1 टेबल स्पून जो है वो लिया है एलोवेरा जेल, ठीक है। तो हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो मिल्क ऐड करेंगे, ठीक है। इतना हमने जो है वो इसमें मिल्क ऐड कर लिया, ठीक। हमने फेस पैक बनाना है, फेस और नेक पे जो है वो आसानी से अप्लाई किया जा सके, ठीक है। अब हमने इतना ही यानी कि 1 टीस्पून हमने मिल्क लिया है, तो 1 टीस्पून ही हम इसमें हनी लेंगे। ये क्वांटिटीज़ आप देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट इतनी क्वांटिटीज़ जो हैं वो फेस और नेक के लिए काफ़ी होती हैं, ठीक है। ये हनी हो गया, और हनी भी हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है।
और अब हम एक और चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जो टर्मेरिक है वो आपने जो रूट्स होती हैं टर्मेरिक की, ओरिजिनल टर्मेरिक की, नॉट स्पाइस जो हम घरों में आमतौर पे मसाला जात में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये जो खालिस बिल्कुल जो टर्मेरिक की जो रूट्स होती हैं उनको मैंने ग्राइंड करके कल ये बनाई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। तो ये मैं, यानी कि जो भी ब्यूटी मास्क आप यूज़ करें उसमें आप यही हल्दी यूज़ किया करें, तो ये मैं टर्मेरिक की इसमें जस्ट एक चुटकी ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ये इसमें मैंने ऐड कर दिया। अगर हम चाहें तो इसमें थोड़ी सी और भी ऐड कर सकते हैं, 2 पिंचेस हम ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक। अब इसको मिक्स करने की बारी आ गई है, इन चीज़ों को हम रख देते हैं साइड पर। अब हमने करना है इसे मिक्स। इस मास्क को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह जो हैं वो बाकी ना रहें और ये अप्लाई करने में बहुत आसान हो जाए। यकीन माने इस फेस पैक में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कुदरती तौर पे आपकी स्किन को निखारेंगी, आपकी फेस पे ग्लो प्रोड्यूस करेंगी, आपका चेहरा निखार देंगी, और बाजारी क्रीम से और कैप्सूल से, स्किन वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं और ये सारी चीज़ें, इनसे जान छुड़ा देंगी आपकी, ठीक है। अब ये फेस पैक जो है वो हमारा रेडी हो गया, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो यूँ होती है, ये फेस पैक हमारा रेडी हो गया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, आपने इसे फेस पे और नेक पे अप्लाई करना है, ठीक है। फेस और नेक पे अप्लाई करने के बाद आपने 20 मिनट इसे लगा रहने देना है, और 20 मिनट के बाद आपने इसे हल्के नीम गर्म पानी से जो है वो धो लेना है। और अप्लाई कितनी दफ़ा करना है, हफ्ते में 2 दफ़ा आपने इसे अप्लाई करना है। इसमें दूध मौजूद है, हल्दी है, शहद है, इसमें एलोवेरा जेल है, और अगर इससे आपको फ़ायदा ना हो तो आप मेरे जो चैनल वीडियोस के जो कमेंट्स हैं उनमें लाजमी बताइएगा मुझे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये आप लगाएं और इससे आपको कोई फ़ायदा ना हो, ठीक है। तो ये आज का फेस पैक था जो मैंने आपसे शेयर कर दिया, और एटलीस्ट कुछ बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको बताया है जो आपको इससे हासिल हो सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और अगर इसमें कोई बेहतरी हो सकती है तो अपनी सजेशन जो है वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। और एक दफ़ा मैं दोबारा से आपसे कहती हूँ कि भी मेरा चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर दिल करे तो ये अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।